नूरानी मिल्ला इत्तेहाद सोसाइटी के जानिब से पिछले हम बताए 25 और 26 को कैंप रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 तारीख सुबह 10 बजे से कैंप चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80 आईडी कार्ड नए एप्लीकेशन हमारे पास डाले गए हैं। देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 28,000 चिल्लर जो हमारे माइनॉरिटीज़ के वोट को कट किया गया है, शर्म आना चाहिए उनको। या हम के हमारे मुस्लिम लीडर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए जाए, और कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट कमिश्नर से भी गुजारिश है कि इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाया जाए और जो भी इसमें इलीगल काम कर रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाए। मैं कनिष फातिमा नॉर्थ MLA से भी गुजारिश करता हूं कि वो घड़ी घड़ी आप बेंगलोर ना जाए, यहाँ पर काम के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इनॉग्रेशन करते हैं 10% के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर नहीं। यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के वोट को डिलीट किया गया, इसके ऊपर बात कीजिए आप, इसके ऊपर काम कीजिए। प्रोटेस्ट करना, वहाँ बैठना, वो नहीं, इसके ऊपर बैठिए, कमिश्नर के ऊपर इंक्वायरी बिठाइए, पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर इंक्वायरी बिठाइए। आप कमिश्नर को घर पे बुला के बात कीजिए, ये कैसा डिलीट हुए मुसलमानों के माइनॉरिटीज़ के वोट। आपका काम है मैडम, आप पूछना है, अगर आप इसके ऊपर नहीं पूछेंगे हम IT डाल के फिर आपको इंक्वायरी देंगे उसके बारे में। गुलबर्ग के अंदर जो बहुत बड़ी एक साजिश, ये जो चांद पाशा भी बोल सकते हैं आप उनको, जो चंदू पाटिल है नॉर्थ के, और तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स मिलके एक साजिश मचाए हैं कि 28,000 प्लस आईडी कार्ड इलेक्शन कमीशन के सिस्टम से डिलीट किया गया है। तो इसके लिए ज़िम्मेदार जो इलेक्शन कमीशन है उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, और जो आवाम के जनता के जो अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है, ये जनता का अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है वोट देने के लिए, तो उनके वोटर आईडी को सिस्टम से डिलीट किया जा रहा है, तो ये सीधा सीधा रॉन्ग है, गलत है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन। और दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 से लेकर आज तक जो जाहिलियत हरकत करते आए हैं, इनकी जाहिलियत इनको ही जो है ना परेशान कर रही है, तो ये सक्सेस नहीं होगा। और हमने गुलबर्गा की जनता से अपील किए हैं, एक अपील वीडियो भी दिए हैं कि जिसका वोटर आईडी है, तमाम लोग जाइए आप इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाके विजिट करके, जो भी साइबर है आपके पास जाके उनके पास अपना इलेक्शन आईडी कार्ड अपडेट कराइए। आपका इलेक्शन आईडी कार्ड सिस्टम में है या नहीं है अभी तक किसी को पता नहीं है, ऐसे हालात यहाँ पर हो रहे हैं, तो इसीलिए आप जाके अपना इलेक्शन आईडी कार्ड अपडेट कराइए। नूरानी महल के तमाम वोटरों से गुजारिश है कि जो है ना अपना आईडी कार्ड जो है ना यहाँ पे आके अपडेट कराएं, क्योंकि कॉर्पोरेशन के अंदर ऑलरेडी तुम्हारा आईडी कार्ड जो है ना डिलीट हो चुका है, इसलिए दोबारा चेक कर लीजिए। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है।